हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अमित जुनेजा, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, शहीद बलविंदर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल साबुआना डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। तो मैं थोड़े सारे का स्वागत करदा अज के लैक्चर दे विच। ता अज दा जिहड़ा अपना लैक्चर है वह है सम सीमांत तुष्टिगुण का नियम। आप अपने पिछले लैक्चर दे विच सम सीमांत तुष्टिगुण का नियम जिहड़ा है उनके बारे थोड़ा बहुत आइडिया जिहा लिया सी। अज आपां उस नियम नूं पूरी डिटेल दे विच करांगे। ये थोड़ा ज़्यादा समझना इस करके जरूरी है क्योंकि जदों आपां उपभोगता दा संतुलन जिहड़ा वो पता करांगे, खास तौर पर जदों आपां दो वस्तुओं की स्थिति दे विच उपभोगता संतुलन पता करांगे तां उदों की होएगा, उदों अपना सम सीमांत तुष्टिगुण दा नियम जिहड़ा उहदी आपां वरतों करांगे। ठीक है, तो आप अज देखते हैं कि सम सीमांत तुष्टिगुण दा नियम की चीज़ हुंदा है ते इहदा महत्व जिहड़ा है वह की है, यह अपना अज का टॉपिक रहेगा। तो ध्यान नाल कर लेना क्योंकि सेम टेबल जो मैं अज बनाऊंगा उही टेबल जो आप दो वस्तुओं की स्थिति दे विच उपभोक्ता संतुलन करांगे उदो आप इस चीज़ नूं यूज करन वाले हां। तो स्टार्ट करते हाँ अपने नियम तो। अपने नियम का जिहड़ा नाम है वो है सम सीमांत तुष्टिगुण दा नियम। ठीक है, तो जिवें कि आप अपने पिछले लैक्चर दे विच गल कीती सी भी सम सम दा मतलब हुंदा है बराबर। ठीक है, बराबर करना है अगे एज इट इज रहेगा। सम मतलब बराबर, बराबर सीमांत तुष्टिगुण दा नियम। ठीक है, बराबर सीमांत तुष्टिगुण दा नियम। वो कहना हुण आपां की करना है इस नियम दे विच सीमांत तुष्टिगुण नूं की करना है बराबर करना है। ठीक है, सीमांत तुष्टिगुण नूं की करना है बराबर, ताहीं हुंदा नाम ना सम सीमांत तुष्टिगुण दा नियम। यानी हुण सोचो भी अगर मैं ये कह रहा कि मैं एक वस्तु दा उपभोग कर रहा, मैं सिर्फ एक ही वस्तु दा उपभोग कर रहा, उस एक वस्तु तो जो मैनूं सीमांत तुष्टिगुण मिलेगा, ठीक है, वो की होएगा हरेक अगली इकाई ते वो जरा सीमांत तुष्टिगुण है वो घटना शुरू हो जाएगा। यानी पहली इकाई तो ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, दूजी तो होर घट मिलेगी, तीजी तो होर घट मिलेगी, चौथी तो होर घट मिलेगी। तो हरेक अगली इकाई तो मिलन वाला जरा सीमांत तुष्टिगुण है वो की होएगा घटेगा, ये मैं पता है। नंबर टू, हुण उह कहिंदा है भी जिहड़ा सीमांत तुष्टिगुण बराबर करो, मतलब सीमांत तुष्टिगुण नूं बराबर करो। हुण इह दो उंगलां क्यों दिखांदा पिया, इस करके कि अगर मैं सीमांत तुष्टिगुण नूं बराबर करना है तां घट तों घट, घट तों घट कह रहा, घट तों घट किन्नियां वस्तुआं दा उपभोग करना पएगा, दो दा, ताकि दोनों दा सीमांत तुष्टिगुण मैं की कर सका बराबर कर सका। अगर मैं एक ही वस्तु दा उपभोग करदा तो मैं उनके सीमांत तुष्टिगुण नूं किन्दे बराबर करांगा, गल सोचण वाली है। अगर आपां सीमांत तुष्टिगुण बराबर करना है तो घट तो घट आपां नूं दो चीजा चाहीदियां जिन्हां दा सीमांत तुष्टिगुण आपां की कर सकीए बराबर कर सकीए। ठीक है, तां नूं आपां कहिंदे आ बराबर सीमांत तुष्टिगुण दा नियम। यानी हुण आपां की करांगे, आपां उपभोग एक वस्तु का नहीं करांगे बल्कि दो वस्तुओं का करांगे। ठीक है, घट तो घट दो, दो तो ज्यादा जिन्नी मर्जी ले सकते हो, पर आपां सोखा करन वास्ते दो ही चीजा लवांगे। आपां दो वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उस तो बाद आपां की करांगे उनके सीमांत तुष्टिगुण नूं बराबर करांगे। ठीक है, जिवें एक चीज होर आपां ऐड करते हैं इहदे च, जिवें आपां कहा सी भी जिहड़ा घटदे सीमांत तुष्टिगुण का नियम है उहनूं आपां कहा सी इह जिहड़ा नियम है इह गौसन का पहला नियम है। जिहड़ा सम सीमांत तुष्टिगुण दा नियम है ये की है, इहनूं आपां गौसन दा दूजा नियम कहिंदे आ। ठीक है, जिहड़ा सम सीमांत तुष्टिगुण दा नियम है ओ गौसन दा की है दूजा नियम है। यानी जिहड़ा घटदे सीमांत तुष्टिगुण दा नियम है वो भी गौसन ने दिता, जिहड़ा सम सीमांत तुष्टिगुण दा नियम है ये भी गौसन ने दिता, जिहड़ा घटदे सीमांत तुष्टिगुण दा नियम है गौसन ने पहला दिता सी, जिहड़ा कि एक वस्तु ते लगदा है, तुहानूं आपां कहिंदे आ गौसन दा पहला नियम। जिहड़ा इह है इह दो वस्तुआं ते लगदा है, घट तों घट दो ते, इहनूं आपां कहिंदे आ गौसन दा दूजा नियम। ठीक हो गया, गल क्लियर। तां हुण की है गौसन की कहिंदा है, गौसन कहिंदा है कि अगर मान लो एक उपभोक्ता जिहड़ा है ओह की करदा है एक तो
तो ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करता है तो आप इतने लिख लें वस्तु दियां उपभोग कीतियां गईयां इकाइयां। ठीक है, तो उपभोग कीतियां इकाइयां एक दो तीन चार पांच। ठीक है, आप मान लें कि अपने को घट तो घट दो वस्तुआं होनगियां जिन्हों का आप की करांगे सीमांत तुष्टिगुण बराबर करांगे। तो आप मान लें भी एक हैगी अपने कोल जिन्हों आप नाम देता वस्तु एक्स। ठीक है, तो यह की है ये वस्तु एक्स का सीमांत तुष्टिगुण जरा आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना भी जो मैं एक्स वस्तु का ले रहा वो की ले रहा सीमांत तुष्टिगुण ले रहा क्योंकि आप बराबर की कराना है सीमांत तुष्टिगुण बराबर कराना है इतने कुल तुष्टिगुण ना लिख दिया जे नहीं तो वह हो जाएगा वह सम कुल तुष्टिगुण का नियम हो जाएगा तो नियम थोड़ा गलत हो सकता है तो ध्यान रखना है। इतने जी दूसरी वस्तु है वह है मान लो मेरे को वाई तो इतने मैं लिख लैंना वस्तु वाई तो इतने मैं लिख लैंना वस्तु वाई का सीमांत तुष्टिगुण। ठीक है, ये वाय वस्तु का सीमांत तुष्टिगुण हो गया। ठीक है, तो अपने को दो वस्तुआं ने आप दोनों का अलग अलग जिहड़ा है उस सीमांत तुष्टिगुण लिख लिया। ठीक है, तो आप की करते हैं हुण ये टेबल बनाने तो पहला, ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा आप एक टेबल बनावांगे, टेबल बनाने तो पहला कुछ चीज़ आपां नूं मननियां पैणगियां। ठीक है, पहली चीज जिहड़ी आपां मन के चल रहे हैं वो आप मान के चल रहे हैं कि एक जो उपभोक्ता है उनके को टोटल 5 रुपए ने। ठीक है, जेडी एक्स अते वाई वस्तु दी कीमत जेडी है पावे एक्स खरीदे ते पावे वाई खरीदे वो 1 रुपए है। ठीक है, रेट दोनों का सेम है। ठीक है, एक्स खरीदेगा तो भी 1 रुपए देना पड़ेगा, वाई खरीदेगा तो भी 1 रुपए देना पड़ेगा। ठीक हो गया, हुण जदों तां एक्स वस्तु का उपभोग करता है। ठीक, तो कहता है कि मैं एक्स की पहली इकाई तो 12 यूटल तुष्टिगुण जिहड़ा है वह प्राप्त होंदा है। जो मैं दूजी इकाई का उपभोग करदा मैं 10 यूटल मिलता है, तीजी का करदा 8 मिलता है, चौथी का करदा 6 मिलता है, पंजवी का करदा तो 4 यूटल तुष्टिगुण जिहड़ा है वह मिलता है। यानी अगर आप इस टाइम से यह भूल जाइए कि जिहड़ा अपना वस्तु वाय है वह हैगा भी है इन भूल जाओ ताकि होया अपने घटते सीमांत तुष्टिगुण का नियम जिहड़ा है वह लागू हो गया। हरेक अगली इकाई तो मिलन वाला सीमांत तुष्टिगुण की हो रहा है घट रहे। ठीक है, हुण जिवें यह चीज घटते सीमांत तुष्टिगुण का जिहड़ा नियम है अगर वह एक्स वस्तु से लागू हो रहा है तो वाय से भी लागू होएगा। अगर आप वाय से बनाइए तो कहना वाय की पहली इकाई तो मैं 10 यूटल तुष्टिगुण मिलता है, दूजी इकाई का भोग करा तो 8 मिलता है, तीजी इकाई के भोग तो 6 मिलता है, चौथी इकाई के भोग तो 4 मिलता है, पंजवी इकाई के भोग तो 2 मिलता है। ठीक हो गया, तो हुण की करना है एक उपभोक्ता जिहड़ा है उन्हें आधे पैसे लाने हैं इन्हों दोवां चीज़ां। ठीक है, हुण मेरे को तीन ऑप्शन हो सकते हैं। पहली ऑप्शन की है भी जिहड़े उन्हां कोल 5 रुपए ने, 5 दे 5 रुपए की करे एक्स वस्तु ते ला देवे यानी 5 दीआं 5 इकाइयां एक्स खरीद लवे ते वाई खरीदे ही ना। ठीक है, दूजा ऑप्शन की हो सकता है भी सारे दे सारे पैसे वाई वस्तु ते ला देवे, ठीक है, एक्स खरीदे ही ना। तीजा ऑप्शन की है भी थोड़े बहुते एक्स खरीद लवे, थोड़े बहुते वाई खरीद लवे, थोड़ी बहुते इहनूं खरीद लिया, थोड़ा बहुता इहनूं खरीद लिया, हुण की करेगा वो सारे दे सारे पैसे एक्स ते लाएगा, सारे दे सारे पैसे वाई ते लाएगा कि दोनों ते वंड के लाएगा, की करेगा। हुण आपां ओह चीज़ देखनी है, अगर पहली ऑप्शन ले लिए भी सारे दे सारे पैसे वो एक्स ते ला देंदा है। ठीक है, तो अगर सारे दे सारे पैसे एक्स ते लाएगा तो पहली तो उन्हों 12 यूटल, दूजी तो 10 यूटल, फिर 8 यूटल, 6 यूटल, 4 यूटल तुष्टिगुण मिलिया। अगर आप इन जोड़िए 22 30 36 40 वह कहता अगर मैं 5 रुपए जोड़े ने अगर मैं एक्स वस्तु से ला दिना तो मैं टोटल दे 40 यूटल तुष्टिगुण जोड़ा है वह मिलता है। ठीक है, अगर सारे सारे पैसे एक्स से ला दे तो वाई खरीदे ही ना। अगर वह कहता है कि मैं अगर सारे दे सारे पैसे वाई से ला देव तो फिर 10 18 24 28 30 तो मैं 30 यूटल तुष्टिगुण मिलता है। ठीक है, तो हुण
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ x ਤੇ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 40 ਯੂਟਲ ਦੁਸ਼ਟਿਗੁਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ y ਤੇ ਲਾਣਾ ਤਾਂ 30 ਯੂਟਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ y ਤੇ ਲਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰੇ x ਤੇ ਲਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਸਾਰੇ y ਤੇ ਲਾਵੇ, ਤੀਜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ y ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ y ਤੇ ਲਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ x ਤੇ ਲਾਏ ਚੰਗੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਯੂਟਲ ਦੁਸ਼ਟਿਗੁਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਤੀਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ, x ਨੂੰ ਕਿ y ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਿਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ x ਖਰੀਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ x ਖਰੀਦੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ x ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 12 ਯੂਟਿਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ y ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਤਾਂ 10 ਯੂਟਿਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੇਗਾ x। ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਅਗਰ x ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਰੁਪਈਆ y ਤੇ ਲਾ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਪਹਿਲੀ y ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ 10 ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ y ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ y ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, 2 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੁਪਈਆ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੀਜਾ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏਗਾ? ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਰੁਪਇਆ ਉਹ x ਤੇ ਲਾਵੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੀਜਾ ਰੁਪਇਆ x ਤੇ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 10, ਅਗਰ ਉਹ ਤੀਜਾ ਰੁਪਇਆ y ਤੇ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 8, ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਲਾਏਗਾ? x ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਰੁਪਇਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਚੌਥਾ ਰੁਪਇਆ x ਤੇ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ? 8। ਜੇ ਉਹ ਚੌਥਾ ਰੁਪਈਆ y ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇਗੀ? 8, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, 4 ਰੁਪਏ ਗਏ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਗਏ ਨੇ? 5। ਹੁਣ ਰੁਪਈਆ ਬਚਿਆ 1, ਅਗਰ ਹੁਣ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ y ਤੇ ਲਾਵੇ, 5ਵਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ? 6। ਅਗਰ ਉਹ 5ਵਾਂ ਰੁਪਈਆ x ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ? 8, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 8 ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲਾ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, x ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 12 ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਦੂਜੀ x ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿਲੀ, ਤੀਜੀ x ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ y ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ? 2, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ? 10, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ? 8, ਯਾਨੀ x ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ 30, y ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ? 18, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ? 48। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? 48। ਜੇ ਖਾਲੀ x ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ? 40, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ x ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ x ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ y ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏਗਾ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ x ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ x ਦੀ ਆਖਰੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਉਹਨੇ? x ਦੀ ਆਖਰੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦੀ, ਆਹ ਦੂਜੀ ਖਰੀਦੀ, ਆ ਤੀਜੀ ਖਰੀਦੀ, ਚੌਥੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ x ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੀਸਰੀ, ਇਹ ਆ ਹੋ ਗਈ x ਦੀ ਆਖਰੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ y ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਈਏ ਤਾਂ y ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦੀ 10, ਦੂਜੀ ਖਰੀਦੀ 8, ਤੀਜੀ ਤਾਂ y ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਖਰੀਦਾ ਤਾਂ 6 ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ y ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲਈ? 8। ਯਾਨੀ ਹੁਣ x ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੀਜੀ, y ਦੀ ਆਖਰੀ ਦੂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਬਰਾਬਰ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਇਕਾਈ ਖਰੀਦੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ 8 ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ 8 ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁੱਲ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, x ਦੀਆਂ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ x ਦੀਆਂ 4 ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੌਥਾ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ,
जे एक्स दिया चार खरीदा तो फिर चार रुपये लग गए, बाकी किन्ने रुपये बचे? एक रुपया, क्योंकि उनके कोल कुल किन्ने रुपये ने? पांच रुपये। अगर एक्स दिया चार खरीदेगा तो वाई दिया फिर किनिया खरीद पाएगा? एक, यानी पहली आ तो खरीद ही नहीं पाएगा अठ वाली। यानी इथे एक्स की एक होर इकाई लई तो उन्हें छे संतुष्टि मिल जाएगी, पर एक छे लैन वास्ते उन्हें आ वाई छड़नी पेगी, तो इधरों किन्नी जाएगी? अठ जाएगी। यानी इधर एक एक्स होर खरीदने नाल छे मिल जानी है, पर इधर अगर चार रुपये लाएगा तो इधर एक रुपया बचेगा, और सिर्फ वाई की एक ही चीज खरीद पाएगा, मतलब अठ वाली नहीं खरीद पाएगा। यानी इधर जी खरीदेगा उन्हें तो संतुष्टि मिलेगी छे, जी इधर छेगा उदो जाएगी कि अठ, यानी छे संतुष्टि आई तो अठ संतुष्टि गई, तो दो का नुकसान है। ठीक है, अगर वह कहे कि ना मैं तो की करता वाय दया तीन इकाइया खरीदूंगा, मैं तो आ भी छेवें लावगा, मैं कह देख भी तेरे को पांच रुपये, जे तू वाई तीन खरीदेगा तो फिर एक्स तेन दो ही मिलने, आ जी एक्स की आएगी ना यह तेन छड़नी पेगी। हूँ अगर वह वाई की एक इकाई होर खरीद लैंदा, मान लो आ छे ले लैंदा, तो एक्स से किनिया करनिया पैनगियां? दो, यानी आ जी तीजी एक्स खरीदी सी अठ संतुष्टि वाली, यह क्यों होगा? छड़नी पेगी। यानी इधर छे मिल जाएगी पर इधर अठ जाएगी, हूँ मिली फिर छे गई किन्नी? अठ, छे मिली अठ गई, तो फिर अल्टीमेटली दो दा नुकसान है। ता नुकसान कदो होएगा? जदों आखरी इकाई तो मिलन वाला समान तुष्टिगुण बराबर नहीं होएगा, पर अगर बराबर है तो क्या होएगा? जो संतुष्टि है वो की होएगा? वध तो वध होएगी। यही कहंदा अपना सम सीमांत तुष्टिगुण दा नियम, मतलब जो कहंदा है एक उपभोक्ता एक तो ज्यादा वस्तुओं ते पैसे लावे तो उन्हें इस तरह लाने चाहिए ने भी हरेक वस्तु की जड़ी आखिरी इकाई खरीदी जाए हरेक आखिरी इकाई तो मिलन वाला सीमांत तुष्टिगुण जड़ा है वो की होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक हो गया, ये सम सीमांत तुष्टिगुण दा नियम है। हुण जे आपां इह सम सीमांत तुष्टिगुण दा नियम कीता तां इहदा वी महत्व है अपने वास्ते। महत्व की है भी देखो, जिवें आपां घटदे सीमांत तुष्टिगुण दे नियम दा महत्व कीता सी, ओवें ही अपने कोल सम सीमांत तुष्टिगुण दे नियम दा वी महत्व है। पहला जिहड़ा इहदा महत्व है ओह है उपभोग दे विच। ठीक है, तां आपां की लिखांगे? उपभोग विच महत्व। उपभोग विच की महत्व है? ए एक्चुअली नियम ही उपभोग दा है, जिवें आपां हुणे कीता। यानी ए जिहड़ा नियम है एक उपभोगता नूं कहिंदा है भी की करना है, जदों आपां एक तो ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करना है तो इस तरह करना है कि हरेक वस्तु की जिहड़ी आखिरी इकाई खरीदी जाए उनके तो मिलन वाला सीमांत तुष्टिगुण जिहड़ा है वह की करना है? बराबर करना है। जे तू आधा सीमांत तुष्टिगुण बराबर नहीं करेगा तेरी संतुष्टि कदे भी वध तो वध नहीं हो पाएगी, तू संतुलन की जिहड़ी स्थिति है उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो की करना पेगा? उपभोग दे विच महत्व है। यानी एक उपभोक्ता नूं ये दसदा है नियम की दसदा है भी आपां नूं जिहड़े अपने पैसे ने वह अलग अलग चीजा के उपर वंड वंड के लाने चाहिए ने, इको चीज के उपर सारे पैसे नहीं लाने चाहिए, क्योंकि जे इको चीज से सारे पैसे लावांगे की होएगा? उनके तो मिलन वाला सीमांत तुष्टिगुण जड़ा है वह की होएगा? घटता जाएगा, अपन नुकसान होएगा। तो जे अपन लग रहा है कि जिहड़ी चीज का आप उपभोग कर रहे हैं उनका जिहड़ा सीमांत तुष्टिगुण है वह लगातार घटता जा रहा है, तो अपन की करना चाहिए? वह चीज़ का उपभोग छड़ के किसी दूजी चीज के उपभोग वाले पास जड़ा है वह चले जाना चाहिए। जिवें आप हमेशा तो गल करते आए हाँ कि आपां इको तरह की सब्जी नहीं खानी चाहिए या इको तरह दीजा नहीं खानिया चाहिए, क्यों नहीं खानिया चाहिए? क्योंकि जेकर आप इको तरह दीजा का लगातार उपभोग करांगे तो उनके तो मिलन वाला सीमांत तुष्टिगुण जड़ा है वो की होएगा? घटेगा। तो आपां की करना चाहिए? जेडे अपने पैसे ने वह अलग अलग तरह सब्जियां के उपर अलग अलग तरह के फ्रूट के उपर आपां पैसे लाने चाहिए ने, अलग अलग तरह शर्ट पानिया चाहिए ने, अलग अलग तरह के शूज पाने चाहिए है, क्यों? क्योंकि इको शूज ही पाते रहेंगे ना इको तरह शर्ट हो, सपोज करो भी तुहाडी अलमारी जिन्नी पेंट शर्ट ने सारिया सेम ने, तो क्यों होएगा? बोर हो जाओगे। ठीक है ना,
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਪੈੱਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈੱਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਪੈੱਨ ਵਰਤ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ, ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੀਮਾਂਤ ਵਰਡ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਮਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ 80 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀਮਾਂਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਂ ਪੰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਤੇ 6, ਜੇ 6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ 6 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ 6 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 95 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ 15 ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 15 ਮੇਰਾ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਚ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 15 ਆਇਆ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਕਰਤੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ 108, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ 6 ਤੋਂ 7, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 95 ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 108, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਆਇਆ 13 ਦਾ, ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 13, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 15 ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ 13, ਯਾਨੀ 6ਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, 7ਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 13 ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਘਟਦਾ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਗਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘਟਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਜੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਰਮਸ। ਮਲਟੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਮਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਟਾਟਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਟਾਟਾ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਵਾਲਾ TVS ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਬਲਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਕਰਦਾ, ਉਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਾ ਵੰਡ ਲੈਣਾ,
बदल लेना। देखो अगर मेरे कोल कोई चीज जरूरत तो ज्यादा पई है तो आड़े तुसी आपके कोल सोचो जो चीज तुहाडे कोल ज्यादा हुंदी है की हुंदा है उंदी तुहाडे वास्ते कोई इंपोर्टेंस नहीं हुंदी ठीक है पर जिहड़ी चीज तुहाडे कोल घट हुंदी है उंदी इंपोर्टेंस तुहाडे वास्ते ज्यादा हुंदी है। तो यह नियम की कहिंदा है यह नियम कहिंदा है भी देखो घटदे सीमांत तुष्टिगुण दे नियम नूं समझो जिहड़ी चीज तुहाडे कोल ज्यादा पई है ठीक है जिहड़ी तुहानूं लगदा है कि मेरे कोल बहुत है ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈ A ਤੇ B ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਵਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ चावल घट ने बी बंद कनक घट है चावल वध ने ठीक हो गया हुण इहदे कोल चावल घट ने इहदे कोल चावल वध ने यानी इहनूं लगता है चावल तो बहुत पए है चावलों की कोई इंपोर्टेंस नहीं इह कहिंदा है चावल तो बहुत घट ने चावल चाहिए है ठीक है ये कहता है कनक बहुत पई है कनक की तो कोई इंपोर्टेंस नहीं ये कहता है कनक तो बहुत घट है कनक चाहिए है तो की करना चाहिए जिहड़ा ए बंदा है इहनू की करना चाहिए बी बंदे कोलों चावल ले लेने चाहिए ने ते आदि कनक नू दे देनी चाहिए है हुण की होएगा एवें बी नू की करना चाहिए बी जो इहदे चावल ने वह दे देवे ते इहदे कोल कनक ले लवे ताकि दोनों कोल की हो सकन चीजा बराबर हो सकन जेड़ा आखरी इकाई दा सीमांत तुष्टिगुण है वो बराबर हो सके उन्हां नाल की होएगा दोनों नूं मिलन वाली संतुष्टि जिहड़ी है वो बराबर हो सके ताकि दोवें आदि संतुष्टि जिहड़ी है वो वध तो वध जिहड़ी है वो कर सकन ठीक है तो दोनों नूं की होएगा इहदे नाल फायदा होएगा ता की करना चाहिए जिंदे कोल जो चीज घट होवे वो चीज जिहड़ी है वो उहनूं ले लेनी चाहिए है जिहड़ी चीज जरूरत तो ज्यादा पई है वह चीज जिहड़ी है दे देनी चाहिए है ता हरेक इकाई जिहड़ी हरेक वस्तु खरीद रहे हो हरेक वस्तु दी हरेक इकाई तो मिलन वाला सीमांत तुष्टिगुण जिहड़ा है उहनूं की कर लेना चाहिए बराबर कर लेना चाहिए। फिर चौथा जिहड़ा इहदा महत्व है वह है आपां कह सकते हाँ वंड विच महत्व। हुण वंड विच महत्व दा मतलब की है देखो वंड दा मतलब की है देखो जो आप कहने कि आप कर रहे हैं उत्पादन कर रहे हैं ठीक है उत्पादन करने वास्ते आपां नूं किस चीज की लोड़ होंदी है आपां नूं उत्पादन करने वास्ते उत्पादन दे साधना की लोड़ है जिहड़े किहड़े ने एक हुंदा है भूमि एक हुंदा है पूंजी एक हुंदा है मजदूर एक हुंदा है उद्यम ये चार जिहड़े ने ये उत्पादन दे साधन एक उत्पादक ने की किया ये उत्पादन के साधन जिहड़े ने वह ले लैके उनके बदले उन्हें उत्पादन कराया उत्पादन करा के बाजार च वेचा वेचन तो बाद इन्हां सारिआं नूं की करना है आपां इन्हां सारिआं नूं भुगतान करना है भुगतान किवें करना है भी जिन्ने कोल आपां जमीन लई सी उन्हूं देंगे लगान या जिन्हूं आपां किराया कह सकते हैं जिन्ने कोल पैसा लिया सी उन्हूं आपां की देंगे व्याज जिहड़े मजदूर ने उन्हां नूं की देंगे मजदूरी जो बाकी बच गया वह की हो जाएगा उद्यमकर्ता का लाभ। हुण उह कहिंदा है वी तुहानूं की करना चाहिए जदों तुहाडा उत्पादन हो जाए तो उस उत्पादन नूं जदों तुसीं इन्ना उत्पादन के साधना दे विच वंडो तो इस तरह वंडना चाहिए भी हरेक व्यक्ति नूं ओने पैसे मिलन मतलब कि जिहड़ा इहनूं लगान मिले इहनूं व्याज मिले इहनूं मजदूरी मिले इहनूं लाभ मिले वो इस तरह मिले कि जिस बंदे ने उत्पादन करन दे विच जिन्ना योगदान दिता है जिन्ना हिस्सा पाया उस दे बराबर उस बंदे नूं भुगतान होने चाहिए। जमानो की हुंदा आपां आम तौर ते कहने आ कि एक वर्ड आंदा नूं कहिंदा मजदूरां दा शोषण मजदूरां दा शोषण मजदूरां दा शोषण की होया भी मालक ने की कीता मजदूर कोलों कम बहुत कराया
पर उन्दे बदले उन्हों उन्ने पैसे नहीं दिते जिन्हें की देने चाहिए सी। तो मैं कहूंगा मजदूरा का की हो रहा है शोषण हो रहा है, मतलब मजदूर नू उन्दे द्वारा दिते जाने वाले योगदान दे मुकाबले पैसा नहीं मिल रहा। वो पैसा कौन खा रहा है? वो उद्यम करता खा रहा है, आधे को लेके भज गया, लाभ बता लिया दे। इस तरह गलत है। वो कहते जे आप चाहते हैं कि समाज दे विच जिहड़ा है सारे वर्गों नू फायदा होवे, तां कदों होएगा? जदों जो व्यक्ति जिन्ना योगदान दिंदा है उन्दे बराबर उन्हूं पैसे मिले। जे मजदूर कहता है कि देखो जी मैं इन्नी मजदूरी की है, मेरी दिहाड़ी एक दिन की इन्नी बनती है, अगर मैं मिल जाए इन्नी तो आप संतुष्ट हाँ। जिहड़े बंदे ने पैसा दिता वह कहते देखो जी मैं पैसा दे रहा, पैसा दे अगर मैं इन्ना को ब्याज मिल जाता है ना तो आप खुश हाँ। जिहड़ा बंदा आपां नूं जमीन दे रहा वह कहता है कि मैं इन्ना को लगान मिल जाए या इन्ना किराया मिल जाए मैं आप खुश हाँ। तो जो बंदा खुश है इनका मतलब की है भी वह बंदा आदि स्थिति दे विच बदलाव करना नहीं चाहता। तो हरेक बंदे नूं उन्दे अगर जो ने हिस्सा पाया जो ने योगदान दिता अगर उन्दे बराबर मिल जाएगा वो की होएगा बेस्ट होएगा, तो अपना समाज का कल्याण जिहड़ा वो की होएगा या समाज की भलाई जिहड़ी है वो की होएगा वध तो वध होएगी। तो इस नियम का जिहड़ा महत्व है वो वंड दे विच भी होया करदा है। उस तो बाद नंबर पांच, नंबर पांच होंदा है कि अपनी जिहड़ी आमदन है उन्हों पर दो हिस्सों च वंडदे आ, उपभोग अते बचत विच की करना है आमदन दी वंड करनी है। ठीक है, हुण जिन्ने आपां नूं पैसे मिलदे आ ना आपां नूं दो हिस्सों च वंडदे आ, एक तां की करदे आ एक आपां उहदा उपभोग कर लैंदे आ यानी कि खर्च कर लैंदे आ, एक आपां नूं बचा लैंदे आ। हुण इह नियम कहिंदा है वी तुहानूं जिहड़ी तुहाडी टोटल आमदन है ਉਹਨੂੰ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ ਦੋ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਆਮਦਨ ਆਈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਵਿਹਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਧਾ ਪਿੱਤਾ ਲਾਏਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਇਦਾ, मतलब जो खा पी लिया वो पक्का, बाकी अहमद शाह अब्दाली दा उन्हें लुट लुट के ले जाना है। ता अगर आप सारे दे सारे पैसे खा पी गए, कुछ बचाया ही नहीं, जे कल नूं लोड़ पैगी तो किहड़े पासे भज जांगे, फस गए कि नहीं फस गए। दूजी गल, जे आप सारे पैसे की बचत करन लग पे कि ना जी आप खाना पीना तो है नहीं, आप बचत करनी है, आप पैसे जोड़ने हैं, फिर क्यों होएगा? हालत बुरी हो जाएगी। ठीक है, वह मैंने किसी ने कहावत सुनाई, एक कहानी भी सुनाई, वह कहते भी एक बार की होंगे एक बंदे के घरे चोर आ जाते हैं, चोर की करते हैं इतने बंदूक रख देंगे, कहते लिया भी जिन्हें पैसे है सारे कड नहीं देवेंगा तो हमने गोली मार देंगे। वह कहता जी गोली मारनी तो मार लो, पैसे कौन ही देने? वह कहता क्यों? कहता मैं तो बुढ़ापे से रखे हुए हैं। हूँ सोचने वाली गल है भी जो तू पैसे नहीं देगा तेरे गोली वज जानी है तो फिर बुढ़ापा कितों आएगा तेरा, है ना? तो ऐसे बंदे भी नहीं होने चाहिए। मतलब आप सारे का सारा उपभोग भी नहीं करना, सारे के सारे की बचत भी नहीं करनी, थोड़ा बहुत हिसाब किताब ला लेना है इन्ने को खावा पीवांगे इन्ने को बचावांगे, तो इस तरह खाओ पियो इस तरह बचाओ कि तुहाडा जिहड़ा अज दा टाइम है वह भी वधिया निकले, तो जिहड़ा आने वाला टाइम है वह भी वधिया निकले। थोड़े बहुते पैसे अपने को आने वाले टाइम वास्ते होने चाहिए। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਬਚਤ ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਐਫ ਡੀ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੋਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੰਡ ਵੰਡ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਐਫ ਡੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਲੋਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲਏਗਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਟਾਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਬਚਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮ ਸੀਮਾਂਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਲ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ